अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम आकिब फारूक एंड आई एम लेक्चरर एट डीजे साइंस कॉलेज तनुजा। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 6, 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंडा, रिटन बाय फ्रैंक अर्थर। एंड गाइस, हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने जो है ये स्टडी किया था कि आदमी जो है वो औरत को थोड़ा सा घबरा कर जो है घबराते हुए उसे बात करता है और उसको डराता है कि आपको जो है अभी भी 15 मिनट मेरे साथ तन्हाई में गुजारने। तो इस पे बात जो है जो औरत का रिएक्शन होता है और वो क्या कहती है, क्या उसके डायलॉग होते हैं, वो हम इस वीडियो में स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शी बोथ अफ्रेंड एंड पजल्ड, स्पीकिंग क्विकली एंड नर्वसली। क्या औरत जो होती है वो दोनों ही घबरा जाती है और जो है डर जाती है बहुत, और जल्दी जल्दी से नर्वसली बात करने लगती है। कहती है यस यू एंड आई आर हियर अलोन फॉर 20 मिनट्स। कहती हाँ, तुम और मैं इस कमरे में जो है अभी भी 20 मिनट के लिए तन्हा है। वी हैव नेवर मेट बिफोर एंड वी शैल वेरी लाइकली नेवर सी ईच अदर अगेन। कहते हम दोनों पहले कभी भी नहीं मिले और आगे भी जो है हम शायद कभी भी ना मिले। आई ऑफन थिंक अबाउट दीज चांसेस एंड कैजुअल मीटिंग्स वी हैव विद पीपल। कहते हैं मैं अक्सर ऐसे जो है चांसेस के बारे में और इत्तफाक से होने वाली मुलाकातों के बारे में सोचती हूँ जो हम लोगों के साथ करते हैं। थाउजेंड ऑफ देम इन द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम। कितने हजारों ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में हमसे मिलते हैं। पीपल वी पास इन द स्ट्रीट, स्टैंड बिहाइंड इन बस कीज, सिट नेक्स्ट टू अस इन द थिएटर एंड सो ऑन। कहती है लोग जो कि हमें जो है गलियों में मिलते हैं, हमारे पास जो है बस की कतारों में हमारे साथ खड़े होते हैं या सिनेमा वगैरह में हमारे साथ बैठे हुए होते हैं एंड सो ऑन और वगैरह वगैरह। दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ एंड देन जस्ट फॉर अ ब्रीफ स्पेस दे कम इन टू योर लाइफ। कहते हैं और वो लोग जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और एक छोटे से लम्हे के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं। ओनली टू डिसअपियर, सिर्फ गायब हो जाने के लिए, मतलब दोबारा जाने के लिए, क्योंकि इत्तफाक से जो अजनबी लोगों से जो मुलाकात होती है वो जो है कम्प्लीटली नहीं होती, सिर्फ इत्तफाक से एक मुलाकात होती है। एंड फॉर ऑल यू नो टू ड्राई द नेक्स्ट डे। और कहती है आपके लिए वो दूसरे दिन ही मर जाते हैं, मतलब दोबारा आपको नहीं मिलते लोगों से। और परहैप्स दे लिव फॉरगेटिंग यू कम्प्लीटली लॉन्ग आफ्टर यू आर डेड। और कहती है या वो जीते रहते हैं, आपको भुला देते हैं और काफ़ी वक्त के बाद आप खुद भी जो है उनके लिए मर ही जाते हैं। यूर लाइफ टचेस एन अदर लाइफ फॉर अ मिनट और फॉर एन आवर एंड देन इट स्विंग्स अपार्ट। कहती है आपकी ज़िंदगी जो है वो एक मिनट के लिए या एक घंटे के लिए किसी दूसरे की ज़िंदगी कुछ होती है और फिर जो है उससे अलहदा हो जाती है, अलग हो जाती है, आपसे बिछड़ जाती है। यू गो यूअर वे एंड आई गो माइन। फिर आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये जो है एक अजनबी से जो हमारी मुलाकात होती है, फितरी तौर पर जो हमारा अमल होता है उसके बारे में ये लड़की यहाँ पर बातें करती है। ही इंटेंसली गुस्से से शिद्दत से कहता है समटाइम्स वन ऑफ दीज ब्रीफ कैजुअल मीटिंग्स में अल्टर यूर लाइफ। कहता है बास औकात जो ऐसा होता है कि इस तरह से छोटी सी और इत्तफाक से होने वाली मुलाकातें जो है आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देती हैं। शी विद अ शिवर नॉट इन माई एक्सपीरियंस, ये थोड़ी सी कांप जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, कि मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है। ही आई वुडंट बी टू श्योर, तब मैं भी जो है पूरे इत्मीनान से यकीन से ऐसा नहीं कह सकता। यू नेवर नो वॉट इज राउंड द कॉर्नर, तो आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक गली के कॉर्नर के पीछे क्या है। यहाँ पर जो ये वॉट इज राउंड द कॉर्नर लिखा हुआ है ये स्पेशली फ्रेज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह से अगर हम इसकी साफ साफ उर्दू मीनिंग निकालें तो होगा कि आप क्या जानो कि सच्चाई क्या होती है। उसके बाद है आई कैन टेल यू ऑफ टू ऑफ दीज हाफ मिनट्स मीटिंग विच हैव हैड मोस्ट प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन माई लाइफ। कहता है मैं आपको जो है मेरी दो ऐसी छोटी सी मुलाकातों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा है। बट फॉर देम एवरी थिंग वुड हैव बीन एब्सोल्युटली डिफरेंट। कहता है लेकिन उन मुलाकातों के हिसाब से हर चीज़ जो है बिल्कुल ही डिफरेंट हुई। ये आदमी जो है आगे जाके हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 होगा उसमें इस लड़की को एक ऐसी ही मीटिंग के बारे में बताएगा कि वाकई उस मीटिंग ने इस आदमी की ज़िंदगी पर बड़ा ही गहरा असर छोड़ा होता, वो हम हमारी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो उसके बाद जो है लास्ट डायलॉग हम शी का पढ़ते हैं। शी ट्राइंग टू कीप द कन्वर्जेशन लाइट, ये कन्वर्जेशन जो है उनको बिल्कुल हल्का रखने की कोशिश करती है, ज़्यादा जो है घबरा कर वगैरह जो है घबरा कर या नर्वसली उससे बात नहीं करती। उसके बाद कहती है कैन यू रियली नोट इट, कहती है आप वाकई ऐसा जानते हैं, आप मतलब वाकई ऐसा मानते हैं कि छोटी छोटी मीटिंग्स जो होती हैं वो इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ही गहरे असर छोड़ जाती है। पर एट सम अदर इवेंट, आगे बात कर रही होती है यहाँ पर अपनी बात रोक देती है।
सो गाइस हम हमारी ये वीडियो जो है वो यहाँ पर एंड करते हैं. हम छोटे छोटे क्लिप्स में वी विल बी डीलिंग इन लिटिल स्मॉल क्लिप्स एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.